भीषण गर्मी के सितम से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को हरियाणा में रोहतक के बाद रेवाड़ी रहा सबसे गर्म। रविवार को सीजन का सबसे अधिक 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज। इसी दिन रोहतक में 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में बड़े मरीज, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात इस कदर खराब है कि 1970 के बाद अर्थात 52 साल में गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान से सटा होने के चलते रेवाड़ी में भीषण गर्मी के सितम से लोग बेहाल हैं। चिलचिलाती धूप के चलते लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। इसी भीषण गर्मी के बीच अब लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। बच्चों में बुखार से लेकर उल्टी दस्त की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रेवाड़ी प्रशासन की ओर से भी रेड अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। बता दें कि रविवार को हरियाणा में रोहतक के बाद रेवाड़ी सबसे गर्म शहर रहा। रेवाड़ी में बुधवार को अधिकतम 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि रोहतक में यह तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चिलचिलाती धूप व भीषण गर्मी के बीच प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को घरों से बेवजह घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। जरूरी हो तो सर पर कपड़ा रखकर व पूरी बाजू के कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें। अब आपको सुनाते हैं भीषण गर्मी के बीच बच्चों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को लेकर रेवाड़ी शहर के बाल रोग विशेषज्ञ सावित्री अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजीत यादव ने क्या कहा। अभी बच्चों में जो मेनली जो रोग आ रहे हैं उनमें बच्चों में उल्टी, दस्त वगैरह, बुखार, ये ज्यादा आ रहे हैं। ये मेनली मौसम जनित या फिर खाने पीने के रोग हैं। तो इसमें हमें मुख्य तौर से साफ पानी, खरबूज तरबूज वगैरह या बाहर के जो खुले फल वगैरह नहीं खाने चाहिए, ताकि इन चीज़ों को बचाव रख सके। खाने में बाहर वाले कुछ पार्टी वगैरह में या कुरकुरे, चिप्स वगैरह, जंक फूड वगैरह कम से कम लेने चाहिए। तो इन रोगों को इस तरह के खान पीन में पानी में सुधार करने से हम अपने बच्चों को इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो सर, भीषण गर्मी पड़ रही, टेम्परेचर 47-48 पे पहुँच रहा है, बच्चों में गर्मी, दूसरी ओर बात करें तो बचाव कैसे, यदि बीमार हो भी जाए तो बचाव कैसे करें? बच्चों को ज़्यादा बाहर ना निकालें, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पानी वगैरह, जूस वगैरह, घर के बने हुए जूस ज़्यादा यूज कर लें, और आप नॉर्मल मात्रा में जैसे कूलर, एसी वगैरह, पंखे वगैरह से यूज कर सकते हैं आप। बीते दिनों की बात करें, जिससे तापमान बढ़ा, कितने मरीज लगभग बढ़ रहे हैं लगातार इस तरह से, बच्चों की बात करते हैं? अभी मेनली मरीजों की मात्रा में डबल होगी, जैसे मौसम जनित रोगों की वजह से, जिसमें उल्टी दस्त वगैरह जाते हैं, उल्टी दस्त, बुखार वगैरह, तेज बुखार आना। गर्मी का कितना बड़ा कारण है इसका? गर्मी मुख्य कारण है, जिसकी गर्मी की वजह से ही ज़्यादा रोग फैलते हैं, वायरल डायरिया वगैरह, बुखार वगैरह, या लू लगना, ये सारे गर्मी की वजह से। अच्छा, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या सलाह देंगे इस दौरान, क्योंकि स्कूल भी लगातार खुल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, गर्मी भी है, तो कैसे बचें लोग? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बोतल वगैरह लेके भेजें साथ में, और खाने पीने में अच्छी सिंपल चीज़ें रखी है, जैसे फल फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, जूस वगैरह ज़्यादा दे सकते हैं, और सादा खाना दे सकते हैं, मतलब फ्राइड का परहेज करें। हाँ, फ्राइड चीज़ों को।